सभी पशुपालक भाइयों को डॉक्टर गोविंद नारायण पुरोहित का नमस्कार। राम राम दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया घंटी के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको मिलेंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आप विभिन्न वीडियो देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के स्क्रॉल कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि मिल्क फीवर एक बहुत ही सामान्य सी बीमारी है जो पशुपालकों के लिए, खासतौर से ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं के लिए एक परेशानी का सबब है। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे करें मिल्क फीवर बीमारी से पशुओं का बचाव एवं क्या करें। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर या पारचूरियन पेरेसिस ज्यादा दूध देने वाले पशुओं की बीमारी है जो कि ब्याने के कुछ घंटों बाद अथवा एक आध दिन बाद होती है और पशु के शरीर में कैल्शियम की मात्रा की कमी के कारण यह रोग होता है। सामान्यतः ये रोग 5 से 10 वर्ष की आयु के पशुओं में अधिक होता है और 75% पशुओं में ब्याने के 24 घंटों के अंदर और 12% पशुओं में ब्याने के 24 से 48 घंटे में यह परेशानी खड़ी होती है। दोस्तों, दुग्ध ज्वर होता कैसे है? देखिए, पशु जब ब्याता है तो उसका जो खीस होता है उसमें बहुत सारा कैल्शियम जमा होता है और जब आप खीस निकालते हैं पूरा का पूरा तो कैल्शियम एकदम से शरीर में से बाहर चला जाता है और जब कैल्शियम एकदम से शरीर में कमी होती है तो पैराथायरॉइड ग्रंथि जो है, पैराथायरॉइड ग्रंथि हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल करके खून में मिलाती है और गुर्दे में कैल्शियम परित्याग में कमी आती है। जब कैल्शियम अब जो पशु भोजन से ले रहा है, पशु की भूख प्याने के कुछ दिनों तक सामान्य नहीं होती तो वो कैल्शियम जो उसके भोजन में ले रहा है वो पूरा नहीं होता और हड्डियों से कैल्शियम जो है खून में आना शुरू होता है तो भी इतना कैल्शियम नहीं आ पाता जितना कि कमी हो जाती है शरीर में। तो क्या होता है कि जब कैल्शियम जो है वो मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है और उससे शारीरिक संतुलन में कमी आती है, पशु के हृदय गति एवं भूख पर भी प्रभाव डालता है, उससे पशु की हृदय गति बढ़ जाती है और भूख में कमी आती है। तो ऐसे कुल मिला के जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है और ज्यादा दूध देने वाले पशुओं में ज्यादा खीस निकलता है तो एकदम से काफी सारा कैल्शियम शरीर से बाहर चला जाता है तो पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब उसके लक्षण क्या है? देखिए, जो मिल्क फीवर है उसके 3 चरणों में उसको हम समझ सकते हैं। उसके 3 चरण होते हैं, वैसे एक से दूसरा चरण होते हुए कोई देर नहीं लगती लेकिन हम उसको समझने के तौर पर 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहले चरण में पशु जो है उत्तेजित सा दिखाई देता है और शरीर में कंपकंपी सी होती है और बेचैन रहता है और पशु का नाक अगर देखें तो इस चित्र में आप देख रहे हैं नाक बिल्कुल ही आपको सूखा दिखाई देगा और पशु शरीर के वजन को इधर से उधर शिफ्ट करता रहता है और असंतुलित चाल चलता है, उसे चलने में कठिनाई होती है, विशेष रूप से पीछे के पैरों से वो लड़खड़ाता रहता है या खड़े होने में दिक्कत होती है और पशु के शरीर में कंपकंपी होती है। ये मांसपेशियां जो है इसमें कैल्शियम की कमी होती है तो ये ऐसे कंपकंपाने लगती है और पशु की भूख बिल्कुल कम हो जाती है। वो खाना वैसे ही कैल्शियम की कमी, और खाना कम कर देगा तो और कैल्शियम की कमी हो जाएगी और अगर इलाज नहीं किया जाए तो 2 घंटे के अंदर जो है ये दूसरे चरण में प्रवेश कर जाता है। अब हम इस चित्र में मैंने आपको समझाया है कि प्रथम चरण में क्या होता है, मांसपेशियों में कंपन, सर हिलाना एवं उत्तेजना, चलने में दिक्कत, भूख में कमी, रुमन की गतिविधि में कमी और तापमान उस समय जो है 101.5 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है, मतलब उस समय तापमान सामान्य सा ही रहता है। उसके बाद आता है चरण 2। चरण 2 में पशु में कैल्शियम की मात्रा और कम हो जाती है तो वो बिल्कुल बैठ जाता है और खड़ा नहीं रह पाता और अपनी गर्दन को एक तरफ मोड़ लेता है। ये इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है कि पशु जो है उसको मिल्क फीवर है और पशु उठाने पर भी खड़ा नहीं हो सकता और उसका शरीर का तापमान कम हो जाता है और अगर हम उसकी जो है पल्स ले में पूंछ के यहाँ से तो पल्स बहुत धीमी होती है, कई बार पल्स जो है आपको फील ही नहीं होती और शरीर भी पशु का ठंडा होने लगता है।
पशु को पेशाब और गोबर करने में कठिनाई होती है, उसकी दिल की गति बढ़ जाती है। यदि समय रहते इलाज नहीं होता तो पशु लेट जाता है और 1 से 24 घंटों में तीसरे चरण में प्रवेश कर जाता है। पशु लेट गया है तो दूसरे चरण में क्या क्या होता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, नाक जो है काफी सूखी होती है, पशु बैठ जाता है, उसे खड़ा होने में कठिनाई होती है, गर्दन को एक तरफ मोड़े रखता है, रुमन की गतिविधि बहुत कम हो जाती है, इस समय जो है पशु को गोबर और पेशाब करने में कठिनाई होती है और तापमान जो है वो कम हो जाता है। अगर आप तापमान देखें तो 96 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उस पशु का तापमान हो जाएगा। फिर पशु चरण 3 में क्या होता है, पशु लेट जाता है और उसके शरीर में अकड़न हो जाती है और असंवेदनशील होता है। आप उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो वो कोई संवेदना नहीं दर्शाएगा, फिर पशु बेहोश हो जाता है और उपचार नहीं किया जाए तो पशु की कुछ ही घंटों में मृत्यु भी हो सकती है। तो आप ध्यान रखें, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी जो है पशु इसमें आपका मर भी सकता है। तो आप बेशक जो है सावधान रहें, ऐसे लक्षण अगर आपको दिखाई दें तो आप तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, अथवा आप अगर स्वयं कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा वैसे आप उसका उपचार करें। तो ये है तृतीय चरण के खास खास बातें। पशु लेट जाता है, हृदय की गति अत्यधिक बढ़ जाती है और लेटे लेटे फिर उसको आफरा आ सकता है और तापमान जो है उसका ठंडा होने लगता है पशु, और आफरा भी आ सकता है, और इलाज नहीं करें तो पशु की मृत्यु हो सकती है। तो ये खतरनाक बीमारी है, कृपया करके आप इसमें ध्यान दें और तुरंत जो है इलाज के लिए अग्रसर हो। अब इसका निदान कैसे किया जाता है, देखिए ये जो लक्षण है इनके आधार पर चिकित्सक या आप स्वयं भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस पशु को जो है मिल्क फीवर है और कैल्शियम की कमी आ चुकी है। फिर आप खून में कैल्शियम की जांच आदि करा करके भी पता लगा सकते हैं कि, लेकिन इसमें आपको इलाज तुरंत कराना चाहिए, जांच वांच की रिपोर्ट आती रहेगी, आप इलाज तुरंत शुरू करवा। देखिए मिल्क फीवर के प्रथम चरण में जो है कैल्शियम की सामान्य मात्रा आप यहाँ देख रहे हैं 8.4 से 10.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है और फास्फोरस भी 4.6 से 7.4 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और मिल्क फीवर देखिए सामान्य पशु में थोड़ा कैल्शियम तो कम होता है 6.8 से 8.6 और फास्फोरस 3.2 से 5.5, लेकिन मिल्क फीवर के प्रथम चरण में 4.9 से 7.5 तक कैल्शियम कम हो जाता है और 1 से 3.8 फास्फोरस की मात्रा हो जाती है। मिल्क फीवर के चरण 2 में ये और कम हो जाती है 4.2 से 6.8 और फास्फोरस 0.6 से 3.0 और तीसरे चरण यहाँ 3.5 से 5.7 हो जाती है। तो जब 3 कैल्शियम पहुंच जाता है तो पशु के मरने की संभावना बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। तो आप इसका जो है इलाज तुरंत करवाएं, ये मेरे आपसे सलाह है। ब्याने के पश्चात उपचार क्या होता है, इसका उपचार एक पशुपालक भी कर सकता है, लेकिन आप चिकित्सक से सलाह लेके करें तो और उत्तम रहेगा कि आप तुरंत जो है एक कैल्शियम, अगर आपके पशु को मिल्क फीवर हो गया है तो आप कैल्शियम की बोरोग्लुकोनेट की एक बोतल 450 ml की उसको नाड़ी के द्वारा चढ़ा दें और उसके बाद में आप कैल्शियम की जेल भी पिला सकते हैं कुछ दिनों तक, ताकि कैल्शियम की कमी नहीं आए। जब कैल्शियम की बोतल आप चढ़ाते हैं तो एक बोतल चढ़ा दें या फिर आधी जो है नाड़ी के द्वारा चढ़ा दें और आधी चमड़ी के नीचे सबक्यूटेनियस लगा दें, ताकि वो धीरे धीरे कैल्शियम बाद में उसके शरीर में जाता रहेगा। कैल्शियम हमेशा, कैल्शियम चढ़ाते समय देखिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैल्शियम हमेशा धीरे चढ़ाएं और अगर सर्दी के मौसम में आप कैल्शियम चढ़ा रहे हैं तो उसको थोड़ा गर्म पानी में रखें और सामान्य तापमान पर लाइए, शरीर का जो तापमान होता है उसके बराबर लाइए और फिर उसको चढ़ाइए। फिर उसके बाद जब आप कैल्शियम दे रहे हैं तो आपने देखा था पहले कि फास्फोरस की भी कमी होती है, तो फास्फोरस के टीके भी जरूर लगाएं और कैल्शियम की बोतल जो आप चढ़ा रहे हैं उसमें अन्य कोई टीका नहीं मिलाएं, क्योंकि वो उसके साथ में फिदड़की बन सकती है और पशु उससे मर सकता है। तो कैल्शियम की बोतल केवल कैल्शियम चढ़ाएं और कुछ भी नहीं चढ़ाएं, और कैल्शियम जो है चढ़ाएं तो उसे धीरे चढ़ाएं और उसमें अन्य कोई भी दवा नहीं मिलाएं। इन 3 बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं खास तौर से कि मिल्क फीवर का बचाव कैसे करें। देखिए ये बहुत ज्यादा दूध देने वाले पशुओं की बीमारी है, तो आपको उनका रख रखाव भी ब्याने से पूर्व से ही शुरू करना पड़ेगा और ब्याने के पश्चात भी आपको ऐसे पशुओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ब्याने के पश्चात 2-3 दिन तक दूध पूरा नहीं निकाले। देखिए आप खीस निकालते हैं तो खीस में कैल्शियम चला जाता है, तो आप थोड़ा दूध छोड़ दें ताकि एकदम से झाड़ के आप जो है
उसका वड़ा खाली नहीं करें, थोड़ा दूध उसमें छोड़ दें 2-3 दिन तक। और फिर आप कैल्शियम की ब्याने के पश्चात कैल्शियम की जेल, कैल्शियम की जेल होती है, ये कैल्शियम की जेल आप ले लें और पशु को पिला दें, ताकि उससे उसको सीधी जो है कुछ ना कुछ कैल्शियम की आपूर्ति होगी। उसके अलावा ब्याने से पूर्व अत्यधिक कैल्शियम नहीं दें, बहुत ज़्यादा कैल्शियम ब्याने से पहले बिल्कुल नहीं दें। और अगर आप ऐसे चारे दे रहे हैं, अगर आप नहरी क्षेत्र में हैं और आप ऐसे चारे दे रहे हैं जिनमें पोटेशियम का फर्टिलाइजर बहुत अधिक डाला गया हो, तो ऐसे चारे को आप पशु को बहुत कम मात्रा में दें, क्योंकि देखिए डाइट्री कैटायन एनायन रेशियो से मिल्क फीवर होने के रेशियो अगर गड़बड़ा जाता है तो मिल्क फीवर पशु में होना की संभावना बढ़ जाती है। फिर ब्याने से तो आप ऐसे चारे जिनमें पोटेशियम फर्टिलाइजर बहुत अत्यधिक मात्रा में डाला हो बहुत कम मात्रा में दें, और विटामिन डी के टीके ब्याने से 1 हफ्ते पूर्व लगा सकते हैं, अथवा अगर आपने ब्याने से पूर्व नहीं लगाया है तो ब्याने के तुरंत बाद भी आप विटामिन डी का टीका उसको लगा सकते हैं। अब ब्याने से 2 से 4 दिन पूर्व चाटे में आप 10 से 15 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या फिर अमोनियम क्लोराइड दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही जब आप ये चीजें दे रहे हैं तो उसके जो पेशाब होता है उसकी पीएच की जांच करें, एक छोटी सी स्ट्रिप आती है उससे आप उसमें डुबाएंगे तो आपको उसकी पीएच का पता लग जाएगा। देखिए जो रुमंथी पशु होते हैं उनकी पेशाब जो है उसकी वो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, लेकिन अगर 7 से 8 के बीच में हो, आप मैग्नीशियम क्लोराइड दे रहे हैं 10 से 15 ग्राम आप दे सकते हैं, और अगर उसकी जो पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप मैग्नीशियम क्लोराइड बंद कर दें। ब्याने के पश्चात कैल्शियम कार्बोनेट की गोलियां खिला सकते हैं। ब्याने से पूर्व अत्यधिक चाटा नहीं दें तथा दलहनी चारे जैसे ल्यूसर्न, बरसीन, मूंगफली का चारा कम मात्रा में खिलाएं, और ब्याने के पश्चात आप खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्याने से पूर्व जो है आप उसको ग्रेन कम मात्रा में खिलाएं। फिर आप उसके अलावा कैल्शियम प्रोपियोनेट 500 ग्राम 8 से 10 लीटर पानी में घोलकर ब्याने के पश्चात पिला सकते हैं, और उससे भी जो है मिल्क फीवर की जो संभावना जो है वो काफी कम हो जाती है। बाजार में कुछ चीजें उपलब्ध है, जैसे एक आपको यहाँ दर्शाया गया है हाइपोरेट, ये 90 ग्राम सुबह शाम ब्याने से 2 से 3 दिन पूर्व शुरू करके ब्याने के 2 दिन बाद तक खिलाएं तो भी मिल्क फीवर की संभावना काफी कम हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके पशु को मिल्क फीवर की संभावना काफी कम हो जाएगी, और यदि मिल्क फीवर हो गया है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें अथवा एक कैल्शियम की बॉटल उसको चढ़ाएं, किसी को भी बुलाकर आप एक कैल्शियम की बॉटल जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों यह है मेरा संपर्क सूत्र, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी दी हुई है उस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आपकी कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और आप जो है अन्य वीडियो को जो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और कृपया मेहरबानी करके इन वीडियोस पे लाइक करिए, इन पे अपने कमेंट लिखिए, आपके कोई सुझाव हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, और वीडियोस को आपके दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी पशुपालकों तक पहुंचे और उन्हें लाभ हो, और आप जो है इस घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलेंगे हमारे वीडियो सबसे पहले, और आप अगर कोई अन्य विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कृपया मुझे जरूर लिखें ताकि हम आपके लिए और वीडियो बना के लाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।